हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, भगत सिंह के द्वारा जो है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नहीं लिखा गया है, ए ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता और पत्रकार थे, जिन्होंने लंदन में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक प्रकाशन की स्थापना की थी। 32 है, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। और अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट जो है 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई थी। 33 है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। तो देखिए, इसका सही जवाब है फ्रैंक मॉरिस का संबंध जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी से दिया गया है, तो सी ऑप्शन आपका सही सुमेलित है। जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी फ्रैंक रॉबर्ट मॉरिस के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद जो है जो से सुमेल है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर के द्वारा, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास, और इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, इंडिया डिवाइडेड याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, डी ऑप्शन फ्रैंक मॉरिस का जो संबंध दिया गया है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, जो कि फ्रैंक मॉरिस के द्वारा लिखा नहीं गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह पुस्तक जो है दुर्गादास के द्वारा लिखा गया है, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, याद रखिएगा। 35 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, 35 में बताना है कौन सा एक सही सुमेलित है। सी ऑप्शन देखिए, रफीक जकारिया का संबंध द मैन हु डिवाइडेड इंडिया दिया गया, बिल्कुल सही है। तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, रफीक जकारिया के द्वारा। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, रफीक जकारिया ने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखी है, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई है। 36 है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है, याद रखिएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी ऑप्शन। 37 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। बंगाली समाचार पत्र का जो प्रकाशक है कौन है, बंगाली समाचार पत्र के प्रकाशक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, याद रखिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगवासी के प्रकाशक हैं जोगेंद्रनाथ बोस, और वंदे मातरम का बताइए, वंदे मातरम का अरविंद घोष, और अमृत बाजार पत्रिका का मोतीलाल घोष, तो सही विकल्प होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए, बंगाली समाचार पत्र का जो प्रकाशक है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगवासी का जोगेंद्रनाथ बोस, वंदे मातरम का अरविंद घोष, और अमृता बाजार पत्रिका का मोतीलाल घोष। आगे बढ़ते हैं। 38, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए, सी ऑप्शन जनता की योजना का जो संबंध है विनोबा भावे से दिया गया, जो कि सही सुमेलित युग्म नहीं है, तो याद रखिएगा। जनता की योजना पीपल्स प्लान का मसौदा भारतीय श्रम संघ की ओर से जो है एम एन राय के द्वारा किया गया था, तैयार किया गया था एम एन राय के द्वारा। पीपल्स प्लान में आर्थिक विकास के एक 10 वर्षीय कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है,
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो देखिए, द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन के लेखक राम मनोहर लोहिया है, बिल्कुल सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। द ग्रेट डिवाइडेड भारत पाकिस्तान विभाजन पर एच वी हार्डसन के द्वारा लिखी पुस्तक है, जबकि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जबकि ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। 40 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, एक तरफ लेखक और दूसरे तरफ कृतियों का नाम दिया गया है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इनकी जो कृतियां हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी का वो है आपका, बताइए, आनंद मठ। माइकल मधुसूदन दत्त के जो कृतियां है वो है आपका कैप्टिव लेडी, और रविंद्रनाथ टैगोर का गोरा, सरोजनी नायडू का द ब्रोकन विंग, यानी सही जो ऑप्शन है वो है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, कैप्टिव लेडी माइकल मधुसूदन के द्वारा, गोरा जो है रविंद्रनाथ टैगोर, और द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू की कृति है। 41 है, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित कब हुआ था? गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित कब हुआ था आप बताइए? तो देखिए, 1912 में, याद रखिएगा, जो गीतांजलि है इसका अंग्रेजी संस्करण 1912 में प्रकाशित हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, और इसके बारे में एक दो लाइन है देख लेते हैं। गीतांजलि का मूल बंगला संस्करण जो है 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुआ, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण नवंबर 1912 में पहली बार प्रकाशित हुआ। 42 नंबर है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस वर्ष? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बताइए, 1913 में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे। 43 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, एक तरफ लेखक दूसरे तरफ पुस्तक का नाम दिया गया है, तो चलिए मिलान करते हैं। तो देखिए, जो इसका सही मिलान है, मिलान कीजिएगा, तो सही मिलान होगा आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा बताइए कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो आपको मालूम है, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी के द्वारा। राम मनोहर लोहिया का जो पुस्तक है, बताइए, द व्हील ऑफ हिस्ट्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है इंडिया डिवाइडेड, और अबुल कलाम आजाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम, तो सही ऑप्शन सी ऑप्शन है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, और इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की कृति है। द व्हील ऑफ हिस्ट्री की रचना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। 44 है, हिंद स्वराज किसने लिखा है? हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो सही जवाब है महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन। 45 है, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं, बताइए, एम के आजाद, अबुल कलाम आजाद। और 46 है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? सी आर दास के द्वारा यह पुस्तक जो है लिखी गई है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास, यानी सी आर दास थे। 47 है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? तो याद रखिएगा, जो हिंद स्वराज है इसमें महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। महात्मा गांधी के द्वारा यह पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्य प्रणाली पर की गई थी। 48 है,
गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो एम के गांधी ने यह पुस्तक लिखी है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक जो है एम के गांधी हैं। इसका प्रथम प्रकाशन फरवरी 1955 में अहमदाबाद से किया गया है। 49 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। 49 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ लेखक का नाम, दूसरे तरफ पुस्तक का नाम दिया गया है। राजेंद्र प्रसाद का जो पुस्तक है वह है इंडिया डिवाइडेड, याद रखिएगा इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। दिलीप मुखर्जी के द्वारा टेररिस्ट, और एस एन बनर्जी के द्वारा नेशन इन मेकिंग, महात्मा गांधी के द्वारा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, याद रखिएगा। तो 49 का जो सही विकल्प होगा सी विकल्प बिल्कुल सही है। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड लिखा गया है, दिलीप मुखर्जी के द्वारा टेररिस्ट, एस एन बनर्जी का जो पुस्तक है वह नेशन इन मेकिंग, महात्मा गांधी के द्वारा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है लिखा गया है। 50 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है आप बताइए। तो देखिए डॉक्टर पी मिश्रा के द्वारा जो है लिविंग एन एरा दिया गया है, तो सही सुमेलित है ए ऑप्शन, डॉक्टर पी मिश्रा। देखिए भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इंडिया डिवाइडेड की रचना राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, फ्रीडम एट मिडनाइट की रचना लैरी कॉलिंस एवं डोमिनिक लेपियरे ने की थी, लिविंग एन एरा की रचना जो है डीपी मिश्र ने की थी, तो ध्यान रखिएगा। 51 है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 52 है, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के पुस्तक हैं, पुस्तक के लेखक हैं इंडियन कल्चर, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? श्री अरविंदो, यानी बी ऑप्शन। देखिए अरविंद घोष कवि, दार्शनिक, योगी और राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष का दर्शन प्रतिपादित किया। श्री अरविंदो की वृहद और जटिल साहित्यिक कृतियों में दार्शनिक चिंतन, कविता, नाटक और अन्य लेख सम्मिलित हैं। इनकी कृतियां हैं द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, एसेज ऑन द गीता, द लाइफ डिवाइन, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री, अ लीजेंड एंड अ सिंबल, द सीक्रेट ऑफ द वेदा और द मदर आदि है, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। 53 है, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? बहुविवाह नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के एक महान शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे। समाज में व्याप्त बहुविवाह, बाल विवाह और विधवा का पुनर्विवाह न होने जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। उन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है पारित किया गया। इन्होंने बहुविवाह तथा बाल विवाहेर दोष नामक पुस्तकें भी लिखी है। 54 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ लेखक, दूसरे तरफ उनकी कृतियों का नाम दिया गया है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए बंकिम चंद्र का जो कृति है देवी चौधरानी है, दिन बंधु मित्र का जो है वो है नीलदर्पण, और प्रेमचंद्र का शतरंज के खिलाड़ी, यानी सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। दोबारा से इसको रिविजन कर लेते हैं। नील दर्पण नील विद्रोह पर 1858 से 1859 के दौरान दिन बंधु मित्र के द्वारा बांग्ला में रचित एक नाट्य कृति है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास देवी चौधरानी 1884 में प्रकाशित हुआ था। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा हिंदी में लिखित कहानी है। उर्दू में इस कहानी का शीर्षक शतरंज की बाजी है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की रचना है, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की जो है रचना है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। 55 है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है?
चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री, डी ऑप्शन। 56 है, सूची वन सूची टू के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर की जो कृति है बताइए, जो पुस्तक है वो है आपका अमृत और विष, अमृत और विष। सुमित्रा नंदन पंत का जो पुस्तक है वो है आपका चितंबरा। शरत चंद्र चटर्जी का जो पुस्तक है बताइए, शरत चंद्र चटर्जी किस पुस्तक को लिखे थे? तो देवदास। और जयदेव का जो है गीत गोविंद, यानी सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अमृतलाल नागर का जो पुस्तक है नाम है अमृत और विष, सुमित्रा नंदन पंत का जो पुस्तक है नाम है चितंबरा, शरत चंद्र चटर्जी का जो पुस्तक है नाम है देवदास, और जयदेव गीत गोविंद। 57 प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है? दास कैपिटल किसकी कृति है? तो याद रखिएगा दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दास कैपिटल पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए अपना विशेष समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक के प्रथम खंड का प्रकाशन मार्क्स के जीवन काल में हुआ तथा द्वितीय और तृतीय खंड का संपादन तथा प्रकाशन उनके मित्र एवं सहयोगी फ्रेडरिक एंजलस के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। 58 है, निम्नलिखित में से कौन एम एन राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? निम्नलिखित में से कौन एम एन राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? तो सही जवाब है वैंगार्ड। देखिए एम एन राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका वैंगार्ड थी। एम एन राय ताशकंद में स्थापित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। 59 है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? बताइए निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब है आनंद मठ, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही ऑप्शन है, आनंद मठ पुस्तक का संबंध राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास से जोड़ा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1865 में अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा। इन्होंने अपने प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम की रचना की थी, जिसे बाद में उन्होंने अपने सुचर्चित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की कृति है। और गीता रहस्य बताइए, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है। प्रश्न संख्या 60, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी नोवेल के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। 61 है, निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? तो याद रखिएगा आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबिल माना जाता है। इस पुस्तक का कथानक सन्यासी विद्रोह, याद रखिएगा इस पुस्तक का जो कथानक है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ में संकलित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 62, वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आजादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की अंकित है किसमें? वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आजादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की अंकित है आनंद मठ में, ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। 63 है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देशेर कथा, पहला कथन है इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज के द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोक गीतों को प्रेरित किया। देउस्कर के द्वारा जो है देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशेष संदर्भ में किया गया था। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो देखिए इसका सही जवाब है पहला दूसरा कथन सत्य है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
देशेर कथा, जिसकी हिंदी अर्थ देश की बात है, बंगला भाषा में लिखित महान स्वतंत्रता सेनानी सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक है। और इस पुस्तक के माध्यम से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारतीय जनता की अतिशय पीड़ा को दर्शाया गया है। इस पुस्तक ने अंग्रेजों की विभिन्न शोषणकारी नीतियों की खुलकर आलोचना की। इस पुस्तक के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया तथा स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे नुक्कड़ नाटकों का आयोजन, लोकगीतों को प्रेरित किया गया। याद रखिएगा कि उक्त पुस्तक में देश शब्द का प्रयोग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त किया गया है। 64 है, क्रांतिकारी रचना चेतावनी राचुगंध्या के रचयिता कौन थे? बताइए, क्रांतिकारी रचना चेतावनी राचुगंध्या के रचयिता थे केसरी सिंह बारहट जो है राजस्थान के कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने चेतावनी रा चुगंध्या लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। 65, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी है किस भाषा में? तो देखिए, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मेरे सत्य के साथ प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ मूलतः जो है गुजराती भाषा में लिखी गई थी। तो गुजराती इसका सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। 66 है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 67 है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी किस भाषा में? तो गुजराती में। देखिए, विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में 1909 में एक समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखा था जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के लिए वापसी यात्रा पर थे, जिस पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था और इसके बाद प्रतिबंध से बचने के लिए इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था। 68 है, निम्न में से किस वर्ष एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज कब लिखी थी? तो आपको मालूम है, सही जवाब है 1919 में। 69 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है? भारत दुर्दशा 19वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध हिंदी रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित नाटक है। 70 नंबर है, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा? तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, बहुत बार पूछा जा चुका है। और देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था। 71 है, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? तो तमिल भाषा के, याद रखिएगा, महाकवि सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के कवि थे। इनके द्वारा रचित गीतों को स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रयोग किया गया था। 72 है, भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त यानी सी ऑप्शन। भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि। 73 है, राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्य कृतियों के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग के लिए निम्न में से किससे प्राप्त हुई थी? राष्ट्रकवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग के लिए निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? तो याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त, ए ऑप्शन। 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? आपको बताना है। तो देखिए, नवीन चंद्र दास के द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था, एक जो कथन है सी ऑप्शन में, यह कथन सही नहीं है। नवीन चंद्र दास के द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित नहीं था, शेष विकल्पों के जो कथन है बिल्कुल सही कथन है। 75 है, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन थे? संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे जयप्रकाश नारायण।
संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1975 के आपातकाल के दौरान जेल में उन्होंने प्रिजन डायरी नामक पुस्तक भी लिखी। उन्होंने 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। यही नहीं, 1942 में वे भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। 76 है, प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी? प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी? तो जयप्रकाश नारायण ने। प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा। 77 है, अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ई एम फॉरेस्टर। 1920 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन और ब्रिटिश राज की पृष्ठभूमि में ई एम फॉरेस्टर के द्वारा ए पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास लिखा गया था। ए पैसेज टू इंडिया जो उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया था? ई एम फॉरेस्टर। और 78 है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं बिपिन चंद्र, डी ऑप्शन, याद रखिएगा। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस यानी भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पुस्तक के लेखक बिपिन चंद्र हैं। 79 है, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं बिपिन चंद्र, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक बिपिन चंद्र हैं। 80 नंबर है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे बिपिन चंद्र, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशनल लीडरशिप 1880 से 1905 के बीच जो है प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों से यानी 81 से स्टार्ट करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग जो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम क्विज सेक्शन में, हम लोग उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।